हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडीसी लर्निंग. स्टैंडर्ड एसवाई बीकॉम, सब्जेक्ट ऑडिटिंग, टॉपिक इंटरनल चेक. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो वी सॉ व्हाट इज इंटरनल चेक एंड द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल चेक. दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल चेक. सी जस्ट लेट अस see what is internal check. So what is internal check? It is an arrangement of duties of the staff members in such a way that the work performed by one person is automatically and independently checked by the other. है ना, क्या होता है इंटरनल चेक? इंटरनल चेक एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जहाँ पे जो भी स्टाफ मेंबर्स को जो भी काम दिया जाता है, ठीक है, वो काम दूसरे मेंबर से ऑटोमेटिकली और इंडिपेंडेंटली चेक हो जाता है, ठीक है ना. तो मतलब एक ही काम एक बंदे को नहीं करना है, एक ही काम अलग अलग लोगों को देना है. जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सेल्स अगर किया है, अगर मैंने सेल किया है, मैं एक एम्प्लॉई हूँ, इफ़ आई एम सेलिंग द गुड्स, ठीक है, मैंने कस्टमर को गुड्स सेल किया है, तो सेल करने पे इनवॉइस जो है वो दूसरा बंदा बनाएगा, कैश जो है वो तीसरा बंदा रिसीव करेगा, सेल्स आउटवर्ड रजिस्टर में एंट्री कोई चौथा बंदा लिखेगा, ठीक है. तो एक ही काम चार पांच लोगों में बांट दिया गया है, जिससे क्या होता है, एक दूसरे का काम यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है, करेक्ट. तो दैट इज़ नोन एज इंटरनल चेक. इसके प्रिंसिपल्स देखो. द प्रोसेस शुड बी एलोकेटेड अमॉन्ग द स्टाफ ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स इन सच देर इज़ नो रूम फॉर इंटरफेरेंस, करेक्ट. सो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी प्रोसेस है या जो भी काम है पर्टिकुलर चीज़ का, वो स्टाफ में क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूटीज़, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स, ठीक है. नो सिंगल पर्सन शुड हैव इंडिपेंडेंट कंट्रोल ओवर ऑल द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, है ना. एक ही बंदे को पूरा इंडिपेंडेंट काम नहीं देना है एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, ठीक है. देन थर्ड वन इज़ द ड्यूटीज़ अमॉन्ग द स्टाफ ऑफ द बिजनेस शुड बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो भी ड्यूटीज़ है स्टाफ का, वो ड्यूटीज़ जो है वो चेंज करनी चाहिए. जैसे मैंने आपको बताया था जॉब रोटेशन, लास्ट वीडियो में हमने इसकी बात की थी, जॉब रोटेशन, है ना. जॉब रोटेशन मतलब सपोज़ कि बैंक में दो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं कैश काउंटर पे, एक कैश रिसीव कर रहा है और दूसरा कैश पेमेंट कर रहा है लोगों को, ठीक है ना. तो ये दोनों का ड्यूटीज़ जो है ना, ये अल्टरनेट डेज पे चेंज कर दो या वीकली चेंज कर दो, ठीक है. जो कैश रिसीव कर रहा है उसको कैश पेमेंट पे बिठा दो, जो कैश पेमेंट कर रहा है उसको कैश रिसीव पे बिठा दो. तो यहाँ पे उनका शफलिंग होना चाहिए. देन एवरी मेंबर ऑफ द स्टाफ शुड बी एनकरेज टू गो ऑन लीव एटलीस्ट वंस इन अ ईयर. दिस विल हेल्प इन डिटेक्टिंग कंसल्ट फ्रॉड, है ना. जो भी स्टाफ है उस स्टाफ को ईयर में एक बार तो छुट्टी पे जाने को एनकरेज करो, ताकि अगर उसने कुछ फ्रॉड किया है तो वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक शुड प्रोवाइड फॉर ऑटोमेटिक चेकिंग ऑफ द वर्क ऑफ एन असिस्टेंस बाय अदर्स, ठीक है ना. क्या बोला है कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे एक इंडिविजुअल का काम ऑटोमेटिकली दूसरे इंडिविजुअल से चेक हो जाना चाहिए, ठीक है. इसी को हम इंटरनल चेक कहते हैं. देन द डिविजन ऑफ वर्क शुड नॉट बी मच एक्सपेंसिव. जो भी डिविजन किया है वर्क, इट शुड नॉट बी मच एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना. आप एक काम के लिए 10 लोगों को अपॉइंट कर रहे हो तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, बिकॉज उनको सैलरी देना पड़ेगा, तो वो एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए. द सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम शुड बी इन वेरिएबल यूज. द फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर शुड बी असाइन वेरी जुडिशली टू डिफरेंट ऑफिसर्स, है ना. डिफरेंट ऑफिसर्स मतलब there should be a proper authorized person for each and every financial and administrative activity, है ना. जैसे मैंने आपको बताया था कि परचेस डिपार्टमेंट में एक परचेस हेड होता है, तो उसके अप्रूवल के बिना कोई भी चीज़ परचेस नहीं की जाती, ठीक है. सेल्स डिपार्टमेंट में एक सेल्स हेड होता है, उसके अप्रूवल के बिना कोई भी चीज़ सेल नहीं की जाती, ठीक है. आईटी डिपार्टमेंट में एक आईटी का हेड होता है, तो आईटी के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो उसे पूछे बिना या उसके अप्रूवल बिना कोई भी चीज़ें नहीं की जाती, करेक्ट. एडमिन डिपार्टमेंट होता है, सपोज़ कि कंपनी में एसी नहीं चल रहा है, तो ये एडमिन डिपार्टमेंट का काम है कि एसी को रिपेयर करो, ठीक है, या नया एसी लगवाओ. तो उसके लिए जो भी एडमिन डिपार्टमेंट का हेड है उसका अप्रूवल होना ज़रूरी है, वो बोलेगा, वो अप्रूवल देगा तो ही ये काम होगा, करेक्ट. तो देयर शुड बी अ प्रॉपर फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर शुड बी असाइन वेरी जुडिशली टू डिफरेंट ऑफिसर्स. अ पर्सन हैविंग फिजिकल कस्टडी ऑफ एसेट्स मस्ट नॉट बी परमिटेड टू हैव एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. जो भी बंदा कंपनी के फिजिकल एसेट्स को देखता है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का काम करने के लिए मत दो,
उसे सिर्फ फिजिकल एसेट संभालने को ही दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि एक बंदा है जो स्टॉक संभाल रहा है, क्या संभाल रहा है, स्टॉक संभाल रहा है, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होना चाहिए, अदरवाइज़ वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टॉक के रिलेटेड कुछ भी फ्रॉड कर सकता है, नंबर्स को चेंजेस कर सकता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो दिस वेर सम ऑफ द आई कैन से प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल चेक स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।